नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ईओडब्ल्यूयू की कार्यवाही में शिक्षक के घर से सामने आई 5 करोड़ की अचूक संपत्ति। कार्यवाही लगातार जारी। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनीगवा गांव में सहायक ग्रेड 3 शिक्षक के घर पर आज सुबह 5 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी, जिसके बाद शिक्षक के ऊपर कार्यवाही करते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। वहीं इतनी बड़ी अचूक संपत्ति मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने अन्य और भी जरूरी दस्तावेज खंगालने का काम शुरू किया, जिस पर कार्यवाही अभी लगातार जारी है। शिक्षकों का काम है बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें सही मार्ग बताना, मगर जब शिक्षक स्वयं ही गलत मार्ग पर हो तो फिर वह बच्चे को सच्चाई का मार्ग कैसे दिखा सकता है। रीवा के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनीगवा गांव में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां गलत रास्तों से शिक्षक कई करोड़ की बेमानी संपत्ति बनाई है, जिसके बाद आज ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश देते हुए शिक्षक के घर से अभी तक में तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति बरामद की। दरअसल बीते लंबे समय से गनीगवा के हाई स्कूल में बाबू के पद पर पदस्थ महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू की टीम को शिकायत प्राप्त हो रही थी। वहीं जिले के शाहपुर थाना चौकी में महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मारपीट के भी कई अपराध दर्ज हैं, जिसके बाद इन अपराधों पर कार्यवाही करने को लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 5 बजे आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह के घर में दबिश दी। ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश देते हुए तुरंत ही जांच शुरू की और जांच करते हुए कई जरूरी दस्तावेज खंगाले। जांच के दौरान आरोपी बाबू के घर से ईओडब्ल्यू की टीम को तकरीबन 5 करोड़ रुपए की बेमानी संपत्ति बरामद हुई, जिसमें 3 ट्रक और 2 JCB मशीन, 3 लग्जरी गाड़ियां सहित 1 निजी विद्यालय और तकरीबन 22 स्थानों पर जमीन के कागजात भी हाथ लगे। इन सब कागजों को देखते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने लगातार कार्यवाही जारी कर रही है तथा यह कार्यवाही देर रात तक चलने की उम्मीद है। ईओडब्ल्यू की टीम का कहना है कि आरोपी शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के घर से आगे और भी संपत्तियां बरामद हो सकती हैं। रीवा से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ईओडब्ल्यू रीवा में शिकायत हुई थी कि हनमना तहसील क्षेत्र में गनीगवा गांव का रहने वाला एक महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सहायक शिक्षा ग्रेड 3 क्लर्क है संकुल में, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसने अवैध ढंग से जो है वो शिक्षकों को परेशान करके और शिक्षकों का पैसा गबन करके उस राशि अर्जित की है। शिकायत जांच होने पर ये तथ्य सही पाए गए और आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके गनीगवा के निवास पे छापा मारा है और इसमें अभी तक जो उसके पास संपत्ति आई है उसमें 22 जमीनें उसने नौकरी में आने के बाद खरीदी हैं। कई हेक्टेयर जमीन है। उसने एक बड़ा स्कूल कनेवा की मेन रोड पे बनवाया है। उसके पास में 3 JCB मशीन, 4 ट्रैक्टर, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, 2 बुलेरो और 1 मोटरसाइकिल उसके मैसेज में उसके घर में बरामद हुई है और अभी सर्च चल रही है। कैश और ज्वेलरी भी मिला है और वो सर्च अभी चल रही है, तो उसमें शाम को फिर आपको डिटेल दिखाई देगी। अभी तक में कितना की जो जानकारी है उस हिसाब से उसकी आय जो है वो इतने सालों की नौकरी में करीब 40 से 50 लाख के बीच की है, जबकि उसके पास जो भी संपत्ति मिली है वो 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी उसके पास मिल चुकी है और इसकी अभी और तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के बाद किस प्रकार जाएगी? इसमें उसके खिलाफ है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के उपरांत उसमें अगली कार्रवाई की।